अरे वाह नंदनी, आज क्या हो रहा है? संडे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? मैं भतोले के लिए गद्दा लाई हूँ। गद्दा लाई हूँ? हाँ। अरे भैया, पूरी इंडिया के अंदर में पब्लिक परेशान है कि कुत्ता काट रहा है, कुत्ता काट रहा है, कुत्ता काट रहा है, और आप हो कि इनके लिए गद्दे लगा रही हो। मैं तो पब्लिक की हेल्प कर रही हूँ। ऐसे कैसे हेल्प कर रही हो? देखो, आपको पता है नहीं पता है, डॉग्स को 14 आवर्स स्लीप मिलना चाहिए कुछ भी करके। अच्छा। हाँ, जरूरी है। हाँ। तो अगर डॉग्स को 14 आवर्स स्लीप नहीं मिलेगा, हाँ, तो डॉग्स चिड़े चिड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ। चिड़े चिड़े होंगे तो डॉग्स काटेंगे। हाँ। डॉग्स काटेंगे तो ये डॉग्स ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये इतना करना कि इसके लिए बिछोना लेकर आए, उसको लगाएं, उससे बेटर है कि भैया उसको जहर देके निपटा दो, मार डालो कुत्ते को। आपको बता रही है कि जहर देना एक तो सोल्यूशन भी नहीं है। हाँ? और गैर कानूनी है। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये आपके पास कोई कागज? हाँ। है क्या? ये कागज है। आप कागज लेके चलती हो? हाँ। क्यों? आप जैसे लोगों को समझाना जरूरी है ना। ओह माय गॉड, बताओ क्या लिखा है इस पर? इसमें लिखा है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 5 लाख डॉग्स को मारा है। अच्छा। और ऑलमोस्ट 5 लाख डॉग्स को मारा है। हाँ। और 1,67,65,497 रुपी पब्लिक टैक्स के पैसे खर्च किए हैं डॉग्स को जहर देने में। मतलब मारने में भी खर्चा होता है। हाँ। और वो भी 1,70,00,000। हाँ। और कौन से साल की बात है ये? 1984 टू 1994 की बात है। तो उस टाइम पर यदि इतना करोड़ रुपया खर्चा हुआ पब्लिक टैक्स का, और उसके बाद में सॉल्यूशन, और फिर भी यहाँ लिखा है दैट डॉग पॉपुलेशन डिड नॉट कम डाउन, नाइदर डिड डॉग न्यूसेंस बिटवीन 1988 टू 1993। मतलब कि प्रॉब्लम भी खत्म नहीं हुई, जहर भी दे दिया, और टैक्स का पैसा भी बर्बाद हो गया। डेथ बाय रेबीज कम नहीं हुई। हाँ। कुछ कम नहीं हुआ। हाँ। बस डॉग्स को मारा। अच्छा। बस स्टोन हार्टेड सोसाइटी बनाई और कुछ नहीं किया। तो यानी उसी पैसे का यदि इस्तेमाल सही तरीके से करते हुए यदि डॉग का स्टरलाइजेशन करवा देते तो फिर अभी अपन कहाँ होते? अपन ये प्रॉब्लम तो कब की गई होती, कब की इराडिकेट हो गई होती। और आप सोच कैसे सकते हो कि डॉग्स को जहर देना राइट है? आप कौन से स्कूल गए थी? अरे भैया, जैसे मैं मच्छर मार देती हूँ कभी बहुत जोर से मच्छर काटता है तो पर जब आप मच्छर मारते हो। हाँ। और जब आप पानी हटाते हो। हाँ। रेगुलरली। हाँ। तो डेंगू मलेरिया ये सब नहीं फैलता है। हाँ। पर जब आप डॉग को मारते हो, जब स्ट्रे डॉग्स को मारते हो आप। हाँ, हाँ। तब जिस गली में वो डॉग रहता है। हाँ। उधर या तो कोई दूसरा डॉग आ जाता है। हाँ। या उधर कोई डॉग मेटिंग करता है तो कोई दूसरा पपी आ जाता है, और फिर आप मारते जाओगे नया आते जाएंगे। अच्छा, तो नया नहीं आए उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए अब जो डॉग्स तो आ गए अब उनका अपन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है मारना सोल्यूशन नहीं है। हाँ। और अगर आपको ये पढ़ना है तो ये आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ लीजिए और ये आप रख लीजिए। ये मुझे क्यों दे रहे हो? आप लेके क्यों चलते हो यार? क्योंकि आप जैसे लोगों को समझाना जरूरी है दैट किलिंग इज नॉट द सोल्यूशन, स्टरलाइजेशन इज द सोल्यूशन, गिविंग द डॉग खाना पानी भोजन प्यार ये सब जब एक साथ मिलते हैं ना। हाँ। तब बनता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अच्छा, मतलब मैंने सिर्फ खाना दे दिया तो सोल्यूशन नहीं है? नहीं, आप पानी दे दिया तो भी एक जन से। हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एक एक चीज दे सकते, पर प्यार सबको देना पड़ेगा। अच्छा। जैसे एक जन स्टरलाइजेशन करा सकता। हाँ। है एक जन खाना दे सकता है, एक जन पानी दे सकता है। हम्म। पर प्यार सबको करना जरूरी है। अच्छा, तो भैया जैसे ये प्यार कर रहा है, इन्होंने यदि प्यार करा तो इनको भैया आपको नहीं काटता है क्या ये? नहीं, हमें तो गली में। तो आपने ये जो बिछोना बुलवाया ये भैया एक बताइएगा जरा आप, ये सिर्फ 200 रुपए का था। 200 रुपए का? हाँ। तो ये जो भैया आपने ये बिछोना बना के दिया है 200 रुपए का, तो आप तो सिर्फ बिछोने का काम करते हैं। आपने कभी डॉग को खाना खिलाया क्या? खिलाया तो जरा इसको हाथ लगा के बताइए। ये देखो, अब इनको भी नहीं काट रहा है।
मतलब क्योंकि इनको पता है, इनको पता है किसको, कि डॉग्स को भी पता है कि अगर ये प्यार दे रहे, पानी दे रहे या अपने लिए कुछ भी अपना कोई भी हेल्प कर रहे तो यह अपन को हर्ट नहीं कर सकते। अच्छा। ये सिर्फ अपन को सेव करने की कोशिश। तो यदि डॉग को इतनी सी बात पता है कि जो इंसान मुझे भोजन देगा, पानी देगा, प्यार देगा, उसे मुझे नहीं खाटना है, तो फिर इंसान को ये बात कौन समझाएगा कि इनको खाना दो, पानी दो, प्यार दो, तो ये नहीं काटेंगे? इंसान को कौन समझाएगा? ये तो समझदार नहीं, मेरे को लगता है डॉग ज्यादा समझदार। डॉग तो बहुत समझदार। तो नंदनी, आपने फाइनल सॉल्यूशन बता दिया और चाय कॉफी बिस्किट का जो सॉल्यूशन है वो आपने प्रूफ। हाँ, क्योंकि चाय कॉफी बिस्किट मेरे गली में है। हाँ। चाय कॉफी बिस्किट का स्टरलाइजेशन हो गया है। अच्छा, उन डॉग्स के नाम है क्या? हाँ? चाय कॉफी बिस्किट चाय कॉफी बिस्किट और कोको। हाँ। चारों मेरी गली में रहते हैं। अच्छा। उनका स्टरलाइजेशन हो गया है। हाँ। तो कोई दूसरे डॉग नहीं आते। हाँ। उनको खाना मिलता है, प्यार मिलता है, पानी मिलता है, गद्दा मिलता है, भोजन मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो काटते भी नहीं है किसी को। और वो लोग होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल लड्डू हम लोग के अगर कभी भी गली में आ जाता है। हाँ। तो वो लोग उसे भौंक के दूसरे उसी उसके ही गली में भेजते हैं, क्योंकि डॉग्स बहुत टेरिटोरियल। ओ, वो भी। और जैसे आपने मेरे को एक दिन ट्रेन का आइडिया बताया था। हाँ, बर्थ का, ट्रेन। हाँ। के डब्बे का क्या है वो? अगर कोई एक जन आके सीट पे बैठ जाता है या उसकी रिजर्वेशन है। हाँ। तो अब कोई दूसरा जन उधर आके बैठ नहीं सकता। नहीं बैठ सकता है। हाँ। क्योंकि वो सीट अब टेकन है। अब हाँ। उस सीट में अब आप जाके ऐसे घुस के बैठ नहीं सकते। तो मतलब जैसे यहाँ पर एक बिछौना रख दिया और यहाँ खाना खिला दिया और मतोले का स्टरलाइजेशन करा दिया। तो ये जो रोड है उस रोड और कोई आगे बैठ नहीं सकता। कोई भी नहीं बैठ सकता। दूसरा लड्डू बैठ ही नहीं सकता। नहीं। अच्छा, इन्होंने अपनी सीट बुक कर ली। हाँ। और अब अगली बार से। हाँ। आप सब कोई भी। हाँ। कोई भी डॉग को मारने का मत सोचिएगा, क्योंकि आपको तो अब मैंने समझा दिया है। हाँ। और आपको बताना पड़ेगा आप कौन से स्कूल गए थे। अरे मेरे को भैया, मेरे को तो ये कागज आप ढूंढ कर कैसे ले आई? मेरे को तो कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि कुत्ते को जहर देना समाधान नहीं है। तो इसलिए आज आपने मेरे को ये बात बहुत बढ़िया बताई है कि जब 1,70,00,000 रुपीस पब्लिक का टैक्स पैसा, पब्लिक का जहर में, पब्लिक का टैक्स पैसा कितने दूसरे यूज में जा सकता था, स्टरलाइजेशन में ही जा सकता था। हाँ, हाँ, या फिर अवेयरनेस, जो अपनी कंट्री को बेनिफिट कर सकता था। हाँ, अवेयरनेस पे यदि चला जाता। हाँ। तो हर कोई एक एक डॉग का स्टरलाइजेशन करा देता और सॉल्यूशन निकल जाता था। तो अब आगे क्या करें ये बता दो आप सबको। अब आगे देखो, अब जो आपके गली में डॉग आ गए, अपन उनका कुछ नहीं कर सकते। हाँ। अपन को बस उनको प्यार देना है। हाँ। भोजन देना है। हाँ। पानी देना है। हाँ। और स्टरलाइजेशन करना। हाँ। और अगर आपको डॉग पसंद नहीं है। हाँ। फिर भी आपको उन्हें खाना देना तो जरूरी है। हाँ। खाना तो दो, प्यार नहीं, नहीं, ऐसा भी कर सकते ना, जिनको डॉग नहीं पसंद है वो अपने देश की समस्या को सॉल्व करने के लिए ये जो भैया है, राकेश भैया जैसे लोग हैं, उनको रोजगार भी दे सकते हैं और ऐसे ढोलक का बिछौना जैसे अलग अलग तरीके के बिछौने बनवा सकते हैं। बनवा सकते हैं, तो उनको डॉग के नजदीक जाना भी नहीं पड़ेगा और बिछौना मिलने के कारण इनको 14 घंटे की नींद मिल जाएगी लड्डू बाबू को। और इन लोग को खाना पीना, प्यार, भोजन, स्टरलाइजेशन, ये तो बाकी सब एक एक डॉग लवर तो होएगा ही, एक गली में तो एक जन तो होएगा ही जो ये सब करवा सकता है। हाँ हाँ, लेकिन एक जन को ही नहीं करना है नंदनी, ये सबको करना। हाँ, है ये आप ही ने मुझे बताया था कि यदि जो करता है उसको लड्डू बाबू नहीं काटते, पर जो नहीं करता, करता उसे उसको तो काटते ही है ना। हाँ। सो नंदनी, आज आपने जो हमको एक इतना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और उसको शायद यदि सब लोग मिलकर के अमल कर लेंगे तो पूरे इंडिया के देश के जो लोग हैं वो डॉग बाइट से तो बच ही सकेंगे, साथ ही साथ पाप के भागीदार होने से भी बच जाएंगे, क्योंकि जो डॉग को जहर देता है वो बांटता है लोगों, वो पाप का भागीदार बन जाता है। और मैंने तो ये सुना है कि जो पाप जो कर रहा है, यदि इन्होंने जहर किसी ने दिया तो अगले जन्म में वो इंसान खुद भारत की गली में कुत्ता बनेगा। अब सोचो कितना मुश्किल जीवन रहेगा उस इंसान का जिसने गलती से जहर दे दिया अज्ञानता के चलते, और फिर अगले जीवन में वो भूखा प्यासा हर सड़क पर दर दर भटकेगा और लोग उसे पत्थर मारेंगे। तो ये भी शायद हो सकता है कि ये जो ये डॉग है ना मतोले, हो सकता है ये पिछले जन्म में शायद कोई क्रूर इंसान हो, इसने किसी कुत्ते को जहर दिया हो, इसीलिए इस जन्म के अंदर में ये कुत्ता बन गया। Jai Hind, Jai Hind, Jai Bharat and adopt, don't shop. All right.